और ये रहा इनका मसालेदार चिकन जो कि एकदम मसाला में बना हुआ है। घर का चिकन होगा क्योंकि माँ का जब बना हुआ हाथ का चिकन होता है तो टेस्टी ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं। भाई अभी हम है स्टेशन रोड में, और स्टेशन रोड से जब आप इधर आइएगा ये जाता है रोड, ये जाता है आपको ओवरब्रिज की तरफ, और यहाँ पे है पटेल चौक। पटेल चौक के पास अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे लाइन से आपको ठेला दिखेगा, ठेला पे सस्ता खाना मिलता है। अगर आप सस्ता खाना खाना चाहते हैं स्टेशन के पास रुके हुए हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए चिकन रोटी चावल दाल सब्जी सब चीज़ मिलेगा, फिर यहाँ पे लिट्टी चोखा मिलेगा, फिर आगे देखिए सातू पराठा मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हम रुके हुए हैं ये चाची के पास जो कि 5-6 साल से अपना ये थोड़ा सा छोटा सा एक ठेले पे एक होटल चलाती हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा खाने के लिए। देखिए ऊपर सलाद रखा हुआ है, भुजिया रखा हुआ है, ताज़ा ताज़ा रोटी बन रहा है चूल्हा के ऊपर। ये रहा इनका चिकन, और ये रहा इनका मसालेदार चिकन जो कि एकदम मसाला में बना हुआ है। घर का चिकन होगा क्योंकि माँ का जब बना हुआ हाथ का चिकन होता है तो टेस्टी ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं। थोड़ा साफ़ सफाई भी है, टेबल कुर्सी लगा हुआ है, और वहाँ देखिए ताज़ा ताज़ा रोटी बन रहा है। रोटी काची रिफाइंड बना रही हैं, रिफाइंड उसमें लगा रही है, रोटी में रिफाइंड लग रहा है। और ये रहा इनका चावल, थोड़ा मोटा वाला चावल होता है, लेकिन अगर आपको पेट भरना है स्टेशन के पास रुके हुए आप सस्ता में, तो यहाँ पर आप आ करके खाना खा सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर दिया जाएगा सब्ज़ी, थोड़ा सब्ज़ी दिखा दीजिएगा आंटी जी। ये रहा आलू, और किस चीज़ का सब्जी है? आलू परवल, आलू है, कद्दू है, चना है, सोयाबीन है। देखिए मिक्स सब्जी है भाई, आलू सोयाबीन चना और परवल भी हमको दिख रहा है थोड़ा बहुत, वो भी है। तो कुछ इस प्रकार से है इनका होटल। ये रहा चाची का चेहरा, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे आके आपको खाना होगा तो आप आके खा सकते हैं क्योंकि साफ सफाई। तो भाई कैसे हैं आप सब? आप लोगों को फिर से खिलाने आ गए हैं सस्ता खाना। स्टेशन के पास हैं अभी हम लोग, और चाची जी को हम देखे बहुत मेहनत से काम कर रही थी अकेले। 5 बजे भोर से लेकर के शाम में 4 बजे तक आपको यहाँ खाना मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आंटी जी काम कर रही थी, बड़ा साफ सफाई से काम हो रहा था। देखिए बड़ा दुकान में जाइए, छोटा दुकान में आइए, साफ सफाई जरूरी होता है। बाकी वो सब रेस्टोरेंट वगैरह फील तो आपको यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर रोड पे अच्छा खाना खाना है, स्टेशन के पास रुके हुए हैं, यहाँ आ करके आप खाना खा सकते हैं। ये बताइए खाना का रेट क्या क्या होता है आंटी जी? सादा 30 रुपये प्लेट है। सादा 30 रुपये प्लेट, क्या क्या रहेगा उसमें? सब्जी भुजिया अचार सलाद। रोटी वाला प्लेट कैसे है? रोटी वाला 4 रोटी सब्जी भुजिया सलाद 30 रुपये में। 30 रुपये में सब्जी भुजिया रोटी 4 पीस और सलाद रहेगा आपको, तो ठीक ही है खाना, ठीक है। अब खा करके आप सबको बताते हैं क्या क्या कैसा लग रहा है, चावल कैसा लग रहा है या चिकन कैसा लग रहा है। इनका चिकन हम देखें बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, इधर और थोड़ा चिकन हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये है इनका चिकन, ये देखिए चिकन एकदम मसालेदार बना हुआ है, चिकन का ग्रेवी भी सही है, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम पानी की तरह है, बहुत बढ़िया ग्रेवी है। पीस उस भी सही है, साइज़ भी सही लग रहा है मेरे को, पीस का साइज़ ये देख लीजिए, एक पूरे कलछुल में साइज़ आ रहा है इसका। कुछ इस प्रकार से है ग्रेवी, और ये हो गया आपका चिकन तैयार। तो चलिए फिर हम भी अपना कुछ प्लेट लगवाते हैं भाई, कुछ खाना खाते हैं और आप सबको भी बता देते हैं। ये लग गया अपना खाना, एक रोटी लिए हम जो कि रिफाइंड में सेका हुआ रोटी है ये, और यहाँ पे भुंजिया है, सलाद है, और एक पीस चिकन लिए हैं जो कि 30 रुपये का है, और यहाँ पे मिक्स सब्जी है। तो भाई खाना रेडी हो गया अपना, अभी एक रोटी लिए हैं क्योंकि पेट थोड़ा भरा भरा लग रहा है, लेकिन आप सबको क्योंकि बताना था कि कहाँ पर अच्छा खाना मिलता है। बहुत ही मुलायम रोटी है, रिफाइंड में सेका हुआ। सबसे पहले इसको हम लोग लेते हैं भुंजिया को, भुजिया लिए, उसके बाद कुछ चिकन वाले ग्रेवी में डिप किए, चिकन तीखा है, ये देखिए चिकन का ये पीस है, चिकन का ये जंगा वाला पीस है, और कितने अच्छे तरीके से पकाया गया है इसको, रोड पे है लेकिन चिकन का क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया है। ये देखिए ये चिकन का पीस हो गया, अच्छे तरीके से पका हुआ। तो टेस्ट करके आप सबको बताते हैं, चिकन एकदम मसालेदार है, देखिए अगर सच बताए तो चिकन अच्छा लग रहा है मेरे को, ऐसा नहीं है कि रोड पे खा रहे हैं तो कुछ भी खा ले रहे हैं, चिकन का क्वालिटी सही है। बाकी अगर एम्बियंस और क्वालिटी की अगर बात करें तो भाई सिंपल सा है, एक ठेला पे खाना बेचती हैं ये, लेकिन बढ़िया खाना देती हैं। सब्ज़ी भी काफ़ी गाढ़ा दिख रहा है सब्ज़ी का भी, अगर थिकनेस की बात करें, और मिक्स वेज सब्जी है ये, 30 रुपये में इतना सारा खाना मिल रहा है, मतलब और भी खाना रहेगा लेकिन हम कम लिए हैं। बढ़िया
स्टेशन के आसपास हैं तो यहाँ आइए खाइए, और हमें भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको चिकन का टेस्ट। 100% अच्छा लगने वाला है, एक बार आइए, जिसको भी खाना है आइए खाइए और हमें बताइए कैसा लग रहा है आप सबको। तो थोड़ा सा चावल भी ले लिए हम लोग टेस्ट करने के लिए, चिकन के साथ चावल भी अच्छा लगता है ना, टेस्ट तो करना है। नॉर्मल जो होटल होता है ना, समझिए कि वही ठेला में बेच रही हैं, नॉर्मल होटल का खाना ये ठेला पे बेच रही हैं बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, खाना सही है और चिकन का क्वालिटी भी सही लगा मेरे को। और प्राइस की बात करें 30 रुपये पीस चिकन मिल रहा है, एक प्लेट थाली अगर आप लेते हैं चावल का तो 30 रुपये लगेगा, और रोटी की थाली लेते हैं उसमें भी 30 रुपये लगेगा। तो चलिए फिर वीडियो ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, और थैंक यू सो मच।